दिन आएंगे। लेकिन हुआ क्या, 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, अभी जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से पिछले एक साल में शायद 1.5 करोड़ नौकरियां खत्म हुई हैं। 2 करोड़ नौकरियां बढ़ने के बजाय 1.5 करोड़ खत्म हुई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिंदुस्तान में आज जो है वो शायद इतिहास में इतना ज़्यादा 8% से ऊपर, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो 10% के ऊपर आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हिंदुस्तान में, जो कि इतिहास में शायद कभी नहीं रहा। लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि भाई राइट टू एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है, उनके लोग कहते हैं उसका पैसा कहाँ से आएगा। हम लोगों ने अभी एक एक्सरसाइज करी है जिसमें जयती जी भी थी, कि अगर मनरेगा जैसी स्कीम, हर मनरेगा तो सिर्फ रूरल हाउस होल्ड के लिए एक फैमिली में एक जने को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने के लिए है, हम लोग कह रहे हैं कि एक फैमिली, पहली बात तो रूरल की जगह रूरल और अर्बन कर दीजिए, दूसरी बात एक फैमिली में एक जने के बजाय सारे एडल्ट्स को कर दीजिए, तीसरी बात उसको 100 दिन के बजाय 150 दिन कर दीजिए, तब फिर एक तरह से राइट टू एम्प्लॉयमेंट गारंटी हो जाएगा कि कम से कम मिनिमम वेजेस पर आधे साल यानी 150 दिन हर एडल्ट को नौकरी मिल सके, और अगर नौकरी सरकार ना दिलवा पाए, उसको नौकरी ना मिले और सरकार ना दिलवा पाए तो उसको कम से कम मिनिमम वेजेस मिलेंगे। अब ये कहा जाता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इसका पैसा कहाँ से आएगा। हम लोगों ने इसका पूरा हिसाब लगाया कि भाई इस पे कितना पैसा खर्च होगा, पैसा कहाँ से आ सकता है। देखिए आज हिंदुस्तान में अभी अभी ये रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान के 9 सबसे अमीर लोग जो हैं, अंबानी अडानी वगैरह, उनके पास इतनी संपत्ति है जो कि देश के नीचे के 65 करोड़ लोगों के पास इतनी संपत्ति है, उतनी संपत्ति सिर्फ 9 जनों के पास, लाखों करोड़ की संपत्ति इन लोगों के पास। अब हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स और गिफ्ट टैक्स करीब करीब सारे देशों में लगाया जाता है, हिंदुस्तान एकमात्र देश बचा है करीब करीब दुनिया में जहां पर ना कोई वेल्थ टैक्स है, ना कोई इनहेरिटेंस टैक्स है, ना कोई गिफ्ट टैक्स है। अब इसका मतलब ये है कि अब अंबानी, उसके पास 5 लाख करोड़ की संपत्ति है, हर साल बढ़ती जा रही है, 10% 20% हर साल इनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है, 20, और वो भी सरकारी नीतियों से, मतलब सरकारी नीतियां ऐसी बनी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को खत्म कर दिया, सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय किया जा रहा है मिनिमम वेजेस के नीचे, और इन बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब भरने के लिए इन सब कानूनों को अनदेखा किया जा रहा है, ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं कि गरीब आदमी से पैसा लूट लूट के, आम आदमी से पैसा लूट लूट के इनकी तिजोरी भरी जाए। अगर हम 1 से 2% वेल्थ टैक्स लगा दें इनकी वेल्थ के ऊपर, कि 10 करोड़ से ऊपर जिसकी संपत्ति है उनको 1% वेल्थ टैक्स देना होगा, 100 करोड़ से ऊपर की जितनी संपत्ति है, जिनकी संपत्ति है उनको 100 करोड़ से ऊपर 2% वेल्थ टैक्स देना होगा, और सिर्फ 20% इनहेरिटेंस टैक्स लगा दे। यानी कि अंबानी का बेटा अगर अंबानी की संपत्ति इनहेरिट करता है तो उसका 20% सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ ये कर दें तो हमारे पास सिर्फ इस राइट टू एम्प्लॉयमेंट
यानी कि कम से कम आधे दिन का 150 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सिर्फ पैसे नहीं होंगे बल्कि यूनिवर्सल पेंशन लागू करने के भी पैसे हो जाएंगे। यूनिवर्सल पेंशन का मतलब है 65 साल के ऊपर जितने लोग हैं उनको कम से कम हाफ मिनिमम वेज की पेंशन दी जाए, मिनिमम वेज का आधा जो है उसकी पेंशन दी जाए। लेकिन ये सब करने के बजाय आज तो हम देख रहे हैं, जैसे जिग्नेश ने बताया कि जितना एम्प्लॉयमेंट था सरकारी पद भी नहीं भरे जा रहे। कोठारी कमीशन ने बोला था कि शिक्षा पर कम से कम 6% जीडीपी खर्च होना चाहिए, यानी कि स्कूल की शिक्षा पर 6% के बजाय उसको घटा घटा के 3.5% कर दिया, इस सरकार ने सबसे कम कर दिया। यूनिवर्सिटियों को तो मतलब बिल्कुल ध्वस्त किया जा रहा है, जेएनयू की आप लोग देख रहे हैं क्या हालत कर दी गई है। जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनके ऊपर ऐसा हमला किया जा रहा है जैसे कि भाजपा सरकार ये चाहती है कि यूनिवर्सिटी तो रहे ही नहीं, सबको पॉलिटेक्निक बना दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो शोध होता है, जो लोगों की सोचने की, सवाल पूछने की क्षमता बढ़ाई जाती है, उसी को वो लोग खत्म करना चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि सब खाकी शॉर्ट पहन के लाठी लेकर खड़े हो जाएं और अगर उनको बोला जाए कि भाई ये सारे घर जाकर जला दो तो वो लोग बगैर कोई सवाल पूछे सारे घर जाकर जला दें। ऐसी एक सोच पैदा करने की कोशिश हिंदुस्तान में और लोगों के सोचने की क्षमता खत्म करने की पूरी कोशिश और पूरी साजिश पुरजोर से चल रही है। और उसके ऊपर स्कूल की शिक्षा में भी भगवाकरण, और भगवाकरण के ऊपर इस तरह की चीजें सिखाई जा रही हैं, जो आज साइंस कांग्रेस जो हुई उसमें लोग कह रहे हैं कि भाई रावण के पास 36 तरह के विमान थे, कह रहे हैं कि वहां पर वो गांधारी को बिल्कुल खत्म करने की, और ये सब सीख कहां से ले रहे हैं? ये सारे जो जरूरत कर रहे हैं कि इंडियन साइंस कांग्रेस में आकर ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट इस तरह की बेहुदी बातें बोले, ये इनकी जरूरत कहां से आ रही है? सीधे मोदी जी से आ रही है, क्योंकि मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी कि अंबानी का जब हॉस्पिटल खोलने गए वहां पर उन्होंने ये बोला कि भाई गणेश जी की सूंड जो है प्लास्टिक सर्जरी से सी गई थी, और इस वजह से प्राचीन हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली थी। उन्होंने ये बोला कि कर्ण का जन्म जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हुआ था प्राचीन भारत में, मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। ऐसे ऐसे लोग, मोदी जी ने बच्चों को ये बोला कि भाई ग्लोबल वार्मिंग कोई चीज नहीं है, लोगों को अब गर्मी ज्यादा लगने लगी है। मतलब ऐसे लोग आज जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिंदुस्तान पर हंसने लगी है, भाई कैसा देश है जिसमें गाय को इंसान से ऊपर माना जा रहा है, जिसमें गौ रक्षा के नाम पर आपने लिंच मॉब पूरे छोड़ दिए हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान के नाम पर रोज झगड़े करवाने की कोशिश, दंगे करवाने की कोशिश सरकार खुद कर रही है, मंत्री लोग खुद कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं तो ये कहता हूं कि देखिए इमरजेंसी के समय हमारा लोकतंत्र खतरे में था, जरूर था, लेकिन आज सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं खतरे में है, आज पूरी सभ्यता खतरे में है। क्योंकि इस तरह की सभ्यता जिसमें प्रधानमंत्री एक ट्रोल आर्मी बनाकर उसको चलाते हैं, अगर आप स्वाति चतुर्वेदी की किताब पढ़ें आई एम अ ट्रोल, तो वो पढ़ने से आपको समझ में आएगा, ये जो ट्रोल आर्मी जो है जिसको ये रोज बताया जाता है 2000 लोगों को 50,000 रुपए महीने की पगार पर बैठाया हुआ है, और एक एक आदमी ने 50-50 अकाउंट खोल रखे हैं, और उनका काम सिर्फ यही है कि उनको एक मैसेज प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है कि आज इस आदमी को गाली देनी है तो उनको मारने की गाली, उनको मारने की धमकी दो, अगर वो कोई महिला हो तो उसको रेप करने की धमकी दो, भद्दी भद्दी गालियां दो, इस तरह का काम प्रधानमंत्री खुद प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ विश्व में कि एक प्रधानमंत्री ने ऐसा कल्चर प्रमोट किया हो हिंदुस्तान में जिससे कि पूरा सभ्यता इस देश की खतरे में।
तो और भ्रष्टाचार का क्या हुआ? ये कहते थे हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन वापस लाएंगे। सारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संस्थाएं बनी थी उसी को खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाय लोकपाल नियुक्त नहीं किया, लोकपाल के दम पर ये लोग इलेक्शन जीते, लेकिन लोकपाल 4.5 साल में नियुक्त नहीं किया। विसल ब्लोअर कानून बना 5 साल पहले, विसल ब्लोअर कानून को कार्यान्वित नहीं किया। सीबीआई को पूरा ध्वस्त कर दिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पूरा ध्वस्त कर दिया, सारे न्यायपालिका को ध्वस्त कर रहे हैं। एक एक इंस्टीट्यूशन जो बना था करप्शन के खिलाफ सबको ध्वस्त करते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि भाई हमने तो हमारी तो कोई बड़ा घोटाला पकड़ा नहीं किया। अरे रफाइल क्या है, नीरव मोदी क्या है, मेहुल चौकसी क्या है, बिरला सहारा डायरी में क्या है? और जब आप सारे इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त कर देंगे तो आपका कौन पकड़ेगा? लोकपाल आप बनाएंगे नहीं, सीबीआई को काम नहीं करने देंगे तो कौन पकड़ेगा? और इसलिए ये जरूरी है कि आज के युवा इस देश की व्यवस्था, जिस तरह से इस देश की सभ्यता को खत्म किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, रोजगार को खत्म किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज के युवा खड़े हों। युवा इसलिए खड़े हों क्योंकि देखिए युवाओं में 3 चीजें होती हैं। पहली बात तो युवा के सामने उनकी पूरी जिंदगी है, वो इस समाज के फ्यूचर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। हम लोगों की तो जिंदगी काफी खत्म हो चुकी है, ज्यादातर खत्म हो चुकी है, लेकिन युवाओं के सामने पूरी जिंदगी उनके सामने। दूसरी बात, युवाओं में ऊर्जा ज्यादा होती है, इसीलिए अगर आप देखेंगे। और तीसरी बात, युवाओं में इनोवेशन होता है, नई नई सोच करने की क्षमता होती है, और इसीलिए अगर आप देखें ये जो आईटी इंडस्ट्री वगैरह है ये सब युवा लोग चलाते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि इस देश की व्यवस्था को अगर सुधारना है, इस देश में लोकतंत्र और सभ्यता अगर बचानी है, तो इसके खिलाफ और इसके लिए युवा खड़ी हो, युवा पीढ़ी जो है इस देश की वो खड़ी हो। और इसलिए मैं इन सारे संगठनों को जिन्होंने युवाओं को एक मंच पर लाने की कोशिश करी है और 7 फरवरी के प्रोग्राम का आयोजन किया है, उन सबको बधाई देता हूं, अपना धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से एक आज किसान का मूवमेंट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से किसानों की जो इश्यूज हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, कम से कम आज पब्लिक डिस्कशन में, इस देश के पब्लिक डिस्कोर्स में तो आई, उसी तरह से युवाओं की जो इश्यूज हैं, देखिए युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार तो सबसे बड़ी इशू है ही है, लेकिन जो समाज के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त किया जा रहा है, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे वाले समय में एक बड़ा यूथ का मूवमेंट खड़ा होगा जो ये सारे इश्यूज को लेगा। धन्यवाद।